हॉस्पिटल डिजाइन सबसे सिंपल पर सबसे मुश्किल। आप मॉल में जाते हैं, आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, आप कैफेज में जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, जहाँ पर डिजाइनिंग अटैच होती है वो जगह सेलिब्रेशन की होती है। जनरली लोग जब भी कुछ एरिया डिजाइन करवाते हैं वो उसका मतलब ही यही है कि वो जगह सेलिब्रेशन के लिए, बीट होम, बीट लिविंग बींग, बीट कैफे, कोई भी जगह, सिवाय हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल एकमात्र ऐसी जगह है जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत दिमाग लगता है। स्टिल सबसे ज़्यादा प्लेन आर्किटेक्चर, प्लेन डिज़ाइनिंग होती है, और अगर इसमें कोई भी ग्राफिक ऐड करनी है, आपको एक कलर भी ऐड करना है, तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिगर। हॉस्पिटल्स में जनरली आप प्लेन वॉल ही देखेंगे या फिर वुडन वर्क भी देखेंगे, तो प्लेन वुडन वर्क देखेंगे, कलर्स यूज देखेंगे, न्यूट्रल देखेंगे, ब्लैक, वाइट, ग्रे, ग्रीन, जनरली ग्रे और ग्रीन देखेंगे और वाइट देखेंगे, ब्लैक भी आप हार्डली देखेंगे, रेड तो आप रेयरेस्ट देखेंगे। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड का कलर होता है। सो जब हम कलर चूज कर रहे होते हैं हॉस्पिटल के लिए, तब हमें ध्यान में रखना होता है कि किस तरीके के लोग हॉस्पिटल विजिट करते हैं। हॉस्पिटल उस रेयर डिज़ाइन का एग्जाम्पल है जहाँ पे दो एक्सट्रीम इमोशन मिलते हैं, एक जो बहुत ज़्यादा जिंदगी में जिसकी आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, जब आपका बच्चा पैदा होता है। इंसान सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से ही प्यार करता है, तो आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं वो इस दुनिया में आता है, आपको उसकी खुशी होती है। सेकेंड, किसी को खो देना, वो सबसे ज़्यादा गम वाली चीज़ होती है, ग्रीफ वाली चीज़ होती है, वो भी इंसान हॉस्पिटल में फेस करता है। और तीसरा है सफरिंग, कोई किसी चीज़ से गुजर रहा है, किसी दर्द से गुजर रहा है, किसी डिजीज़, किसी बीमारी से गुजर रहा है, उसके इलाज के लिए आ रहा है, वो सफरिंग। और एक साइलेंट सफरिंग होती है, वो है फाइनेंशियल। इन सब में एक फाइनेंशियल बर्डन इंसान पे होता है, इंसान उसकी भी टेंशन में होता है हॉस्पिटल में। इस फाइनेंशियल बर्डन के कारण हॉस्पिटल में रॉयल डिज़ाइन देना अवॉइड करते हैं। रॉयल डिज़ाइन कैसे हो गया? जैसे गोल्डन लैम्प, सिल्वर कार्विंग्स, ऐसा कुछ, कुछ भी लग्जूरियस देना अवॉइड करते हैं, जो कि क्लास डिफरेंस दिखाए, ऐसा हम अवॉइड करते हैं। ऐसा दिखाना है जो कि सबको एक्सेसिबल हो, किसी को अमीरी या गरीबी का एहसास ना हो। एस्थेटिक देख के कोई किसी की जेब में कम पैसा होना ट्रिगर ना हो जाए, किसी को ये ना लगे कि ज़्यादा पैसा होता तो हम अपनों के लिए बेटर कर पाते, क्योंकि इंसान ऑलरेडी इन सब इमोशन से गुजर रहा होता है हॉस्पिटल में। यहाँ मैंने एक स्लाइड ली है जहाँ पे मैंने हॉस्पिटल में होने वाले सारे इमोशंस को पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया है। एक देखेंगे जिसमें आंसू बह रहे हैं, दैट मीन्स ग्रीफ, किसी का रोना, किसी को खो देना। एक है आंखों पे हाथ रखे हुए, इट्स लाइक सैड सफरिंग। और एक है अपने बच्चे को गोद में उठाना, पहली बार गले लगाना, जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल। और बीच पे आप देख रहे हैं ये विंडो एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे हर कोई अभी इस स्लाइड में इमोशन से गुजर रहा है। एक विंडो जो बाहर नेचर को दिखा रही है, ट्रीज विच मीन्स लाइफ, और सब कुछ न्यूट्रल कलर है, धूप छाँव का मौसम, ऐसा कुछ, एग्जैक्टली ऐसे ही इमोशन होते हैं हॉस्पिटल में लोगों के अंदर। एक बहुत बड़ी बात होती है, इतने डिफ़िकल्ट इमोशन और इतने एक्सट्रीम इमोशन से इंसान गुजर रहा होता है हॉस्पिटल में, चाहे वो खुशी का एक्सट्रीम हो या गम का एक्सट्रीम हो, बट वो अपने आप को बहुत ही काम एंड कंपोज्ड दिखाता है। सो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर कोई दुखी है तो ऐसी ग्राफिक्स नहीं देने हैं कि उनका दुख और ट्रिगर हो जाए। कोई खुश है फिर भी हमें ऐसी ग्राफिक नहीं देने हैं जो कि दुख रिप्रेजेंट करे। और चूंकि फाइनेंशियल बर्डन से जनरली लोग गुजरते हैं हॉस्पिटल में, हमें ऐसे ग्राफिक नहीं देने हैं जो स्टेटस डिफरेंस दिखाएं।